फिर से एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज हम आपको बता दूँ कि ये टूल टैक्स पड़ रहा है आसपुर और मलानों के बीच में, जो कि अलीगढ़ से कानपुर की रोड जो हाई पर रहा है उसी हाई पर है। तो अलीगढ़ से पहला ही टूल टैक्स है जो हमारे मलावन और आसपुर के बीच में पड़ रहा है। तो मैं पार्ट वन इसका मैं पहले बना भी चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, जो आप पहला वीडियो हमारा देख सकते हो। तो गर्मी काफ़ी तेज़ है और आपको बता दूँ कि मैं अभी थोड़े दूर हूँ उससे, तो अभी आपको मैं पास से चल के दिखाऊँगा। तो ये अलीगढ़ से कानपुर के लिए जो है नहीं जो हाईवे उसी पर बढ़ रहा है, ये लगभग 80-90 किलोमीटर का लगभग गैप में अलीगढ़ से। तो मलावन और आसपास जिला एड़ा पड़ता है, तो उसी वहीं पे है। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से 500 मीटर दूर है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से, और पीछे है दीपक ढाबा जो अभी नया बना है, ये 5-6 महीने हुए इसे, नहीं 3-4 महीने हुए इससे बने। तो इसमें भी आपको मैं वीडियो बनाऊँगा, बताइए कमेंट में मैं बता दूँगा। तो ये मतलब काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट से हम बड़े बड़े लोग यहाँ पर रुकते हैं और बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पर। यहाँ से 500 मीटर है टूल प्लाजा। तो और यहाँ पर ये गाड़ी की भी मतलब जो कैसे क्या है, मतलब किस लाइन में निकलेंगी वो सारा कुछ यहाँ पर, ये बोर्ड जो काफ़ी बोर्ड लगी हुई है यहाँ से टूल दे वगैरह, ये टूल है ना यहाँ से काफ़ी बोर्ड लगी हुई, आपको मैं दिखाते चलूँगा। तो इस पर देख सकते हो आप वीडियो पोज करके देख सकते हो, और वरना मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगा इसका। तो आप देख सकते हो मतलब गाड़ियों के ये पहले का है, कार जीप वैन है हल्के मोटरयान, मतलब वो साइड होगा लाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा लोग, इसलिए ये लिख रखा है वही है। और मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ और सारी कुछ, और देखते हैं यहाँ लाइटें भी लग चुकी हैं। तो अभी तो मतलब काम चल रहा है, ये मतलब पूरी तरह से नहीं बन पाया है टोल, मतलब चालू नहीं हुआ है, हो जाएगा तो आपको बताएंगे। तो चलिए आगे आपको चल के दिखाते हैं और यहाँ का सीन भी चलता है। तो यहाँ पर मतलब ये काफ़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर पूछ लो मैं फिर दिखाऊँगा, अभी मैं आपको टोल दिखाता हूँ, ठीक है। टोल जो टोल बुलाया है NH 34 है, तो देख लीजिए। और अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ चलिए दोस्तों। और अब ये सेकंड बोर्ड है ये, तो इस पर लिखा हुआ देखो रक्षा मंत्रालय, जिनमें वे भी हैं जो भारतीय पथक सेवा सेना और वायुसेना अधिनियम 1901। तो यही है सारा कुछ, आप अभी मैं आपको, तो आपको मैं अभी इसका फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहीं पर, तो आप पढ़ लेना सही से, ठीक है। तो देख लीजिए, और इधर ये और काफ़ी ये इधर दिखते, इधर ये मतलब बिल्डिंग काफ़ी बढ़ रही है, इसके बारे में आपको फिर कभी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और यही, और इधर देखो इधर ये पावर प्लांट बन रहा है ये, तो इसकी भी वीडियो काफ़ी डाल चुका हूँ। तो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, वो एक फ़ोटो लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको मैं साइड में दिख जाएगा आपको, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तीसरा है, ये तीसरा बोर्ड है ये, और इस पर भी काफ़ी लगी हुई है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, तो काफ़ी कुछ इस पर लिखे हुए हैं। तो इसका भी मैं आपको मैं डाल दूंगा इसका भी फ़ोटो, तो आप देख सकते हो। और आगे है टूल, तो अभी उस पर भी जल्दी चलते हैं। तो पढ़ सकते हो आप पोज करें वीडियो, वरना मैं फेक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो सारे कुछ इसी के बारे में। बहुत ही मजबूती से बनाए गए ये बोर्ड, देख सकते हो काफ़ी मतलब नीचे जो लट्ठे लगाते खंभा नहीं बनाते, ये बिजली का ही है जो इस पर मतलब सीमेंट वगैरह से काफ़ी गड्ढा करके बनाए गए, जिसमें मतलब तूफान आंधी आए तो सड़े नहीं है, तो ऐसा ही है। और ये इस पर लिखा हुआ कार प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। तो चलिए, और अभी गेहूँ की भी कटाई चालू है, देख सकते हो गेहूँ पक चुके हैं, और इस पर भी स्वच्छ भारत अभियान, तो इसका भी बोर्ड लगा हुआ है ये। तो चलिए, अभी एक बोर्ड रह गया है, तो उस पर भी मतलब गाड़ी के वाले साथ है, उसको पीछे हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, वो सेम लग रहा है ये। तो चलिए, और आपको दिखाते हैं, और बस टोल पे मुझे, और लाइटें भी काफ़ी बड़ी लग चुकी हैं, वो अभी चालू नहीं हुई हैं, अभी हो जाएंगी। जो बोर्ड लगी हुई है मतलब वही है, पीछे हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, वही सेम है, तो बस यही। और यहाँ पर भी लाइटिंग भी देख सकते हो, ये बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ये भी चालू हुई हैं, अभी जलना नहीं चालू हुई हैं ये। तो देख लीजिए टोल है, अभी टोल पर भी काम चल रहा है अभी इस टाइम, देख सकते हो मशीन है, तो वो अभी वर्क चल रहा है बराबर। तो चलिए, और आपको दिखाते हैं पास से, तो बस यही है। और इधर ये पता नहीं क्या क्या है, अभी काम चल रहा है पूरी तरह से, हो नहीं पाया है अभी, तो देख लीजिए अभी मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ सही से। तो चल जाइए हमारे इस वीडियो में। फास्टैग भी इस पर लग चुके हैं, तो इससे ये क्या मतलब गाड़ी वालों का कार्ड बनता है, तो उसमें रिचार्ज करना पड़ता है, और मतलब ऑटोमेटिक उसमें रुपए कट जाया करेंगे, मतलब ट्रैफिक नहीं लगाया करेंगे यहाँ पे, इसलिए फास्टैग मतलब लग गए हैं, देख सकते हो ये लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इसके बारे में, काफ़ी वीडियो डली हुई हैं। तो वही है, और ये लाइन 1 लाइन 2 मतलब नंबर से 5 तक है लाइन, तो उधर इस साइड पर भी लग जाएंगी।
तो अभी मतलब चालू हुआ है, देखो इस साइड पे भी मतलब चालू कर दिया और इस साइड भी चालू कर दिया है, मतलब टोल अभी चालू हुआ है पूरी तरह से, हर काम चल रहा है बराबर। दिखते इधर ही शायद ऑफिस वगैरह पड़ रही होगी, तो यही है। और चलते हैं आपको पास से दिखाते हैं, यहाँ पर जो लाइन है 5 लाइन है और 5 हैं दोनों तरफ, और काम चल भी रहा है। दिखते ही ये देखो, ये लोग मतलब काम कर रहे हैं इसमें अंदर। तो चलिए, और आपको और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मतलब अलीगढ़ से ये एटा ज़िला में आसपुर और मलानों के बीच में भर रहा है टोली, और इससे आगे आगे जो छिबरा में हुआ है बेबर से आगे, तो वहाँ उसके बाद में शायद बनेगा टोल, मतलब क्लियर नहीं पता मुझे, लेकिन लोग मतलब बता रहे हैं कि वहाँ ही बनेगा शायद, अभी तो पता नहीं, क्योंकि 80-90 किलोमीटर के गैप में बनता है टोली है। तो अलीगढ़ से 85 ऐसी कुछ है यहाँ पर जो ये भर रहा है, इस जगह 85 किलोमीटर पड़ता है, तो उसी हिसाब से मैं अंजाज से बता रहा हूँ कि वो भी 80-90 किलोमीटर के करीब गैप में पड़ेगा, वही पड़ेगा छिबरा में करीब, तो वहीं बनेगा, तो वहाँ तो अभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो बस यही दिखा दे रहे हैं कि ये हमारे गांव के पास में पड़ता है ये। तो बनेगा हमारी वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो अभी तक, और देख लीजिए ये दोनों साइड चालू हुई है, ये इधर से ही उधर से ही। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, इसमें पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, और पता नहीं किसके बारे में ये, इसमें गड्ढे हैं अभी ऐसा, ये लाइन इधर है, और इधर इसमें पाइप पड़ी हुई है, नहीं किसके बारे में पाइप है, ये रिश्ते अखीर ये पाइप पड़े हुए हैं इसमें, और ये खाली है ये, और आगे रोलर वगैरह चल रहे हैं ये, और पता नहीं किसके बारे में पाइप है ये, पता नहीं भाई। और इस पर भी काम चल रहा है अभी, देख सकते हो, तो ऐसा ही है। और इसमें जो बैठने के लिए ये बनाई गई है, ये दे लीजिए टोल बन चुका है, तो अभी चालू होने में कुछ टाइम लगेगा। प्रयागराज